हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ना एक ऐसा अनुभव लेकर के आया हूँ कि जो मेरी एक साधिका का है, जो साधना जिन्होंने की और उन्होंने एक गलती की जिसके कारण उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं ये अनुभव सबके सामने मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, जिससे कि जो और लोग हैं और जो व्यक्ति हैं, जो भी हैं, वो जो साधना कर रहे हैं, वो इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो उससे क्या कि उससे सबको एक बेनिफिट मिले, उनको पता लग जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो उसके लिए ही मैंने उनसे पहले पूछ लिया, उन्होंने मुझे अनुमति दे दी थी कि आप इसकी वीडियो आप बना करके आप डाल सकते हो। तो वीडियो बनाने से पहले मैं सभी जो YouTube पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक इधर जयपुर की तरफ से, राजस्थान से ही हैं वो साधिका। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो ससुर थे वो भी साधनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो उनकी एक डायरी थी, उस डायरी में से उन्होंने एक मंत्र ले लिया, हनुमान जी का मंत्र था। और उससे पहले वैसे वो शिव को मानती थी, भगवान शिव की उपासना भी करती थी, लेकिन अब हुआ क्या कि उन्होंने उनकी डायरी में से एक मंत्र ले लिया जिससे कि व्यक्ति उस मंत्र को सिद्ध करे तो हनुमान जी सपने में जो है किसी भी कार्य का या फिर किसी भी प्रसन्न का होना ना होना इस टाइप से, मतलब वो उत्तर दे देते थे उसमें कि आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उनको उत्तर मिल जाता था। अब हुआ क्या कि उन्होंने मंत्र ले लिया, शिव को अपना गुरु बनाया, मतलब शिव को गुरु बना करके और उनके कम से कम 1 लाख पहले मंत्रों का जाप करके एक अनुष्ठान किया और उसके बाद फिर उन्होंने हनुमान जी की साधना की। तो उनको हनुमान जी मतलब शिव पहले दिखाई दिए उनको सपने में, और उन्होंने बताया, तुरंत उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण किया सपने में, और उसके बाद उनसे कहा कि तू मेरे इस रूप की पूजा करम। तो उन्होंने, वैसे वो मंत्र था आपका साबर मंत्र था, और देखिए साबर मंत्र है तो प्रभाव भी जल्दी और सटीक ही होगा, क्योंकि साबर मंत्र थोड़ा जल्दी प्रभाव दिखाते हैं और जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया, 41-41 दिन तक उन्होंने जितना उसमें बताया गया था डायरी में से लिया, नोट किया और स्टार्ट कर दिया उन्होंने शिव को अपना गुरु मान करके। अब होता क्या है, उनको साधना में सफलता मिली, संपूर्ण रूप से सफलता मिली। जब भी वो चाहती थी कि किसी का भला करना, तो वो क्या किया करती थी कि तुरंत सपने में उन्होंने रात में जो भी करना था, जो भी विधि उनको बताई गई थी, उस विधि के द्वारा वो करती थी, और रात में उन्हें सपने में वो सब चीज़ें दिखाई दे जाया करती थी, और सुबह फिर वो उसको बता दिया करती थी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा तुम्हारे साथ होगा। तो और वो 100% सभी कुछ सही होता था। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने अपनी जितनी भी विद्या थी, जो भी थी, उसके सब जो भी उनको सपने में आया करता था, जो भी उनको अनुभव होते थे, वो सब बताने स्टार्ट कर दिए, जिसको मतलब वो कि उनको पता नहीं था, अनभिज्ञ थी इस चीज़ से कि हम मुझे ऐसा बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इससे होगा क्या। तो अब वो तो बेचारी मतलब कि अपने सीधे मन से बता दिया करती थी लोगों को, और अक्सर होता ही यही है, हमें कोई रात में सपना दिखाई दे जाए तो हम इतने ज्यादा 4 लोगों को नहीं बता देंगे ना, इतने हमारे पेट में ना वो बात फुदकती रहेगी चूहे की तरह, इतने उसको बाहर निकाल के ना फेंक देंगे।
या फिर किसी दूसरे को ना बता देंगे। और कोई बात अगर ऐसी होती है कि जिसमें कि कुछ आध्यात्मिक से जुड़ी होती है, तो इतने हम दूसरे को नहीं बताएंगे ना, और उस पर सोचते हैं कि इस पे हमारा प्रभाव जमे, मतलब कि हम उसको बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि हमारा हम वो हमसे प्रभावित हो। अरे देखो भाई, उनको तो ऐसा दिखाई देता है, वो तो बहुत बड़े पंडित हैं या बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको तो पहले ही दिखाई दे जाता है सब कुछ, और हम भी जो मतलब उसमें फूले नहीं समाएंगे बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, ये एक अहंकार आ गया अपने अंदर, अहंकार के वशीभूत हो गए वो, और उस अहंकार में ही सब कुछ चला जाता है। फिर अब उनको भी वही हुआ करता था कि उन्होंने बता दिया, ठीक है, अब किसी का काम भी हो गया, ठीक है, कुछ और भी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दिखाई देता है, फिर अगर कुछ घटनाएं होने वाली होती तो वो भी दिखाई देती हैं, और आप नहीं कहोगे तब भी आपको दिखाई देंगी वो, क्योंकि वो देव आपको पूर्ण रूप से दिखाएगा कि आप देखिए ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने अब वो उसको भी बता दिया करती थी, और जिसको मर्जी, पहली बात तो ये थी कि देखिए मैं बताऊं, औरतों के पेट में वैसे ही बात बहुत कम पचती है, समझे आप, आदमी तो फिर भी जो पचा लेता है, लेकिन उनके पेट में तो वैसे भी कम ही पचती है, तो वैसे ही जो मतलब वो सब कुछ बता देती है, और उसमें फिर ऊपर से फिर ऐसी कुछ आध्यात्मिक चीज़ हो तो उसे तो और भी फिर बड़ा चढ़ा के बताएंगी। तो उनको भी कुछ ऐसा ही हुआ, लास्ट में क्या हुआ कि अब उनको सिद्धि चली गई, मतलब कि उनको जो है अब ना तो कुछ दिखाई देता है, ना कुछ उनको परिचय जो भी अनुभव थे वो मिल पाते हैं। उन्होंने खूब मंत्र जाप कर लिया, सूर्य ग्रहण में भी कर लिया, वैसे भी साधनाएं कर ली, खूब तप मतलब उन्होंने अनन्य विनय कर ली, लेकिन अभी भी उनको किसी भी तरह की कोई भी सफलता उसमें फिर आगे नहीं मिल पाई है। अब इसमें हुआ क्या कि एक तो मैं आपको भी बता देता हूँ, कोई भी साधना करो, कभी भी किसी को भी कुछ मत बताना बिल्कुल भी, चाहे कैसी भी साधना हो, आपको कुछ भी सपने में दिखाई दे। सपने में अक्सर ज़्यादातर जो साधनाएं करते हैं हम, अक्सर हमें सपने में ही दिखाई देता है बहुत कुछ, तो इसलिए सपनों को बिल्कुल ना बताएं। और रही दो उनकी दूसरी गलती है कि एक ये और थी, क्योंकि साबर मंत्र हैं, तो साबर मंत्र से कोई भी या किसी भी वैदिक पद्धति से कोई भी देवी देवता अगर हमारा कोई काम करता है थोड़ा बहुत, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके नाम का यार 5 रुपये का प्रसाद तो बंटवाई दें, ज़रूरी भी है, मतलब कि वो शक्ति भी तो खुश रहेगी मेरे नाम से कुछ कर रहा है ये, भले वो खाने नहीं आएगी लेकिन उसका एक मन को तसल्ली होगी कि हाँ मुझे मानता है, मेरे नाम से इतना कुछ करना चाहता है। तो अगर आप किसी का भी काम करते हो तो उससे यार 11 रुपये का प्रसाद बंटवा दो बस, आप मत लो कुछ भी, और ना ही लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब कहते हैं ना कि सिद्धि कैसे चली जाती है, सिद्धि ऐसे ही जाती है, जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, किसी भी मंत्र के थ्रू हम कोई गलत काम करेंगे तो एक दो बार तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर सिद्धि ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो मैंने उनको फिर बताया कि आप इस तरीके से आप कीजिए, और वह ऐसे आपको जो है आप सफलता इसमें मिलेगी आगे। मैंने कहा आप हनुमान जी का मंत्र था, तो फिर हनुमान जी उनके इष्टी हैं, तो उसमें कुछ दान करने वाली बातें थी, या फिर लोगों को जो भी मतलब उनसे हनुमान जी से वो प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, तो उस तरीके से मैंने उनको कुछ थोड़ा बहुत बताया, तो हो सकता है कि अब उनको अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा उनको जो है जो सिद्धियाँ चली गई थी वो मिलना अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं कामना भी करता हूँ हनुमान जी से, यूट्यूब पर भी मैं करता हूँ कामना, कि मैं वैसे भी कर रहा हूँ कि प्रभु उनको उन पर जो गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें, और उनको दोबारा से आप दर्शन दें, दोबारा से उनके ऊपर मेहरबान हों, बस मैं अपनी तरफ से तो यही चाहता हूँ। तो इसी के साथ बोलेंगे मेरे साथ में सभी, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव।